हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवीर दीदीमन। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में 322 पदों पर भर्ती निकली है। टीचिंग पोस्ट काफ़ी यहां पर सब्जेक्ट हैं। सैलरी 57,700 से 2,18,200 तक आप लोगों को यहां मिलने वाली है। उम्र जो है यहां 35 से 55 साल तक रहेगी और एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट होंगे 18 अगस्त से। ये इसकी मेन वेबसाइट है, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को रनिंग में ही नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो क्या जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन चाहिए, किस तरीके से आप लोग एप्लीकेशन करेंगे, तो सारी चीजें जो है वो हम यहाँ पर नोटिफिकेशन में चेक करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिए, एडवर्टीजमेंट फॉर फैकल्टी पोजीशन इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ NSUT, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है, यदि आपके पास है तो आप जरूर एप्लीकेशन करिएगा। रेगुलर पोस्ट रहेगी और यहाँ पर पेमेंट काफी अच्छा मिलने वाला है। तो चलिए अच्छे तरीके से हम लोग जो है वो देखेंगे। मेन मेन जो चीजें हैं वो मैं आप लोगों के लिए हाईलाइट करती जाऊंगी, क्योंकि 48 पेजों की ये PDF फाइल है और कंप्लीट जो है वो पढ़ना संभव ही नहीं है। और इसका लिंक मैं आप लोगों को जरूर शेयर कर दूंगी यदि आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हैं। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी अंडर एक्ट 6 ऑफ 2018, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, यहां से जो है वैकेंसी आई है। इसकी ये मेन वेबसाइट है, तो सारी चीजें जो है वो आप लोगों को कंप्लीट नोटिफिकेशन इस मेन वेबसाइट पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। एडवर्टीजमेंट फॉर फैकल्टी पोजिशन ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की यहां पर वैकेंसी है। बहुत सारे डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई है। ओपनिंग डेट जो है वो क्या रहने वाली है, तो 18 अगस्त से ओपनिंग डेट है और क्लोजिंग डेट जो है वो 17 अगस्त रहने वाली है। कंप्लीट नोटिफिकेशन ये 48 पेजेस का मेन वेबसाइट पर डाला जा चुका है और अब स्टार्ट जो है एप्लीकेशन फॉर्म 18 अगस्त से होंगे। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कैटेगरी ऑफ पोस्ट जो है वो ग्रुप ए टीचिंग में जो है वो कौन कौन से डिपार्टमेंट की जो है वो वैकेंसी है। टोटल पोस्ट यहाँ पर 212 है ग्रुप ए में। अभी और भी हम देखेंगे ग्रुप, यहाँ पर ग्रुप ए की सबसे पहले बात कर लेते हैं। साइकोलॉजी में 3 पोस्ट है, इंग्लिश में यहाँ पर 5 पोस्ट हैं, केमिस्ट्री में यहाँ पर 6 हैं, फिजिक्स में 5 हैं, मैथमेटिक्स में जो है यहाँ पर मैथ की जो है वो स्टूडेंट पूछते रहते हैं, मैथ की जो है यहाँ पर 19 पोस्ट हैं, मैनेजमेंट स्टडी के जो है यहाँ पर 9 पोस्ट हैं, यानी जिसने भी बीकॉम एमकॉम किया हो। इसके अलावा भी कई पोस्ट हैं यहाँ पर, डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। यहाँ पर आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, बायोटेक्नोलॉजी की वैकेंसी है यहाँ पर, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस जो डिपार्टमेंट है यहाँ से भी वैकेंसी है। कुल जो है यहाँ 67 पोस्ट है। ठीक है, तो 212 पोस्ट ग्रुप ए में है। ग्रुप ए का जो पेमेंट है वो आप देख लें, यहाँ पर पोजीशन एंड पे स्केल, पोजीशन रहेगी यानी कि यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है 57,700 से 1,42,400 लेवल 10 के अकॉर्डिंग पे स्केल जो है वो आप लोगों का रहने वाला है। दूसरा यहाँ पर जो पोजीशन है वो एसोसिएट प्रोफेसर की है, जिसकी सैलरी 1,31,400 से 2,17,100 तक मिलेगी लेवल 13 A1 के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट जो है वो वही है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 25 पोस्ट हैं कंप्यूटर साइंस में, बायोलॉजिकल साइंस और इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी में 4 पोस्ट हैं। और भी डिपार्टमेंट जो है यदि आप समझते हैं तो जो है आप देख लें कितनी वैकेंसी है यहाँ पर। मैथमेटिक्स में जो है यहाँ पर 8 पोस्ट हैं, फिजिक्स में 2 हैं, केमिस्ट्री में 2 हैं, इंग्लिश में 2 है, साइकोलॉजी में 1 है। तो यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो है वो 81 पोस्ट हैं। अभी क्वालिफिकेशन भी हम देखेंगे। यहाँ पर प्रोफेसर थर्ड जो यहाँ पर वैकेंसी आई है प्रोफेसर की, तो लेवल 14 पे स्केल जो है यहाँ 1,44,200 से लेकर 2,18,200 तक मिलेगा। ठीक है, डिपार्टमेंट जो है वो वही पर वही हैं सारे। इसमें जो है प्रोफेसर के लिए 29 जो है वो पोस्ट रहने वाली हैं। और यहाँ पर रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD कैटेगरी जो है उनके लिए यहाँ पर जो रिजर्वेशन का रूल रहता है वो रहने वाला है। इसके अलावा जो भी कैटेगरी है SC ST, ठीक है, उनका सबका रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर मैनेजमेंट स्टडी, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या मांगा गया है, मास्टर डिग्री मांगी गई है यहाँ पर फर्स्ट क्लास के साथ। 2 साल का जो है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास होना चाहिए मास्टर डिग्री में। यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या मांगा गया है, तो PhD मांगा गया है और साथ में जो है वो 8 साल का एक्सपीरियंस जो है वो टीचिंग में या रिसर्च में आपका होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोफेसर के लिए जो है यहाँ क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है वो क्या मांगा गया है, तो PhD डिग्री, 10 साल का एक्सपीरियंस आपका टीचिंग या रिसर्च या किसी इंडस्ट्रीज में, या फिर एटलीस्ट 6 रिसर्च पब्लिकेशन एट द लेवल ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर।
ठीक है, यूजीसी के अंडर में भी अगर किया है तो भी आप जो है यहाँ एप्लीकेशन कर पाएंगे। प्रोफेसर बेसिक साइंस, सोशल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइकोलॉजी, इसके लिए भी जो एलिजिबिलिटी इसी तरीके से मांगी गई है। तो कंप्लीट नोटिफिकेशन आप पढ़िएगा जब आप एप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि 48 पेजों की जो है ये पूरी पीडीएफ फाइल है, बहुत सारे जो है सब्जेक्ट वाइज जो है यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो यहाँ क्वालिफिकेशन जो है वो आप लोग अच्छे से चेक करिएगा। एज लिमिट की अगर हम बात करें, प्रोफेसर के लिए 55 साल, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 50 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 35 साल। सैलरी जो आप देख रहे हैं कि लाखों में सैलरी है, तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों का जो है एक एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम जो है वो होगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस 1,000 रुपये लगेगी, और उसके बाद जो है यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस जो है 1,000 यानी 2,000 रुपये जो है वो आपकी लगने वाली है। SC ST PWD की रजिस्ट्रेशन फीस बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस जो है वो 1,000 रुपये है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।